अब खबर है चरखी दादरी से चालान काटने के विरोध में ट्रांसपोर्टर लामबंद हो गए हैं। वाहनों को रोड पर छोड़कर आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स। और बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टर्स को समर्थन मिला है क्रेशर यूनियन का और ट्रांसपोर्टर्स ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया, चालान बंद नहीं किए गए तो मुख्यमंत्री के दरबार में अर्जी लगाएंगे। आरटीओ विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। ये आरटीओ मैडम नहीं, ये अपने आप में एक बाहुबली है। इसमें इतना मतलब इसने खौफ पैदा कर दिया, मतलब ये डरा रही है दादरी की जनता को। आप अवरेज निकाल लो, गांव वाइज अवरेज निकाल लो। अगर किसान साथी दादरी मंडी में भी अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लाने को अपने को डर रहे हैं, एक डीजे वाला है चरखी गांव का, वो मतलब डीजे को भी अगर दूसरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में ले जाता है ना, तो पहले लोकेशन लगा देखता है मैडम किधर है। मैं तो गाड़ियां का मह रखा है, चलान बन जाऊं तो चलान बन वाला टाइम पर भी एक भी बैठा नहीं पाओ, तीन तीन दिन तो लगातार चलान बन का चक्कर लग गया। जो चलान वाला की ड्यूटी है उसने भी, चलान बनिया की ड्यूटी ने भी स्टाफ में रखा है। फिर जो गाड़ी घर न खड़ी है न, चाहे उसका उसकी जेब में पैसे नहीं है, कागज को लेट हो गया, उसने घरना खड़ी कर ली तो घरना खड़ी गाड़ी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप साहू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, आरटीओ के खिलाफ देखिए नारेबाजी की गई है, गुस्सा ट्रांसपोर्टर्स में नजर आ रहा है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए आरटीओ चरखी दादरी के जो क्रेशर जोन में जो बड़े वाहन जो चलते हैं उसको लेकर इनका जो ट्रांसपोर्टर है उनका ये गुस्सा फूटा। उनका ये कहना है कि आरटीओ और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उनकी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, बेवजह ही चालान किए जा रहे हैं, जबकि वो ओवरलोडिंग भी नहीं चला रहे। जी इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भी किसी भी गाड़ी की कोई किस्त अगर टूट जाती है तो भी घर पे अगर गाड़ी भी खड़ी है तो भी उसको उठाकर बाड़ी में बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा ही प्रशासन का रुख रहा, आरटीओ का रुख रहा, तो वो अपने वाहनों को रोड पर छोड़कर आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी नारेबाजी करते हुए ये भी कहा कि पहले डीसी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार सीएम से मिलकर बात करेंगे, नहीं तो फिर वो अपने वाहनों को रोड पर छोड़कर प्रदर्शन करेंगे।